हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं 19 मार्च के बाद दिल्ली जा रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। कुछ अर्जेंट काम था। एक्चुअली मेरे इंक्वायरी फोन्स मेरी टीम मेंबर है गायत्री, उसके पास हैं तभी से, क्योंकि मैं जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले ऑफिस नहीं गया था तो फ़ोन उसको दे दिए थे, तो फ़ोन उससे कलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अभी ऑफिस खुला नहीं है। तो 19 मार्च के बाद आज दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो रास्ते में ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं दिल्ली की तरफ। बस दोस्तों, दिल्ली के बॉर्डर के पास आ गए। दिल्ली के बॉर्डर है, ध्यान रखना पड़ेगा, एक कट मिस हुआ पर सीधे सराय काले खा तक कोई कट नहीं है इस पे, इसलिए जैसे ही बॉर्डर पे एंटर करना है वैसे ही राइट लेना है, अदरवाइज अक्षरधाम और उसके बाद सीधे फिर सराय काले खा पहुँचना पड़ेगा, फिर वहाँ से यू टर्न है। एक्चुअली हुआ क्या कि 19 मार्च को मेरा अपने जंगली रिजॉर्ट जाने का इरादा था। तीन चार हम लोग यूट्यूबर थे, हमारा ब्लॉग बनाना था, मैं अपना जंगल सर्वाइवल के ऊपर प्लान फिक्स था, तो मैंने अपने इंक्वायरी फ़ोन गायत्री को दे दिए थे और ऑफिस गया नहीं था। सडनली उसके बाद जनता कर्फ्यू हो गया और बॉर्डर वगैरह सील हो गए, तो जाना हमारा कैंसिल हो गया और उसके बाद से लॉकडाउन हो गया। तो इंक्वायरी फ़ोन, दो तीन इंक्वायरी फ़ोन गायत्री के पास थे, काम था नहीं, इंक्वायरीज वगैरह थी नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पर डे 10 से 15 इंक्वायरीज आ रही हैं। पहले ये कंडीशन थी मार्च में कि इंक्वायरी तो क्या, बुकिंग्स कैंसिल हो रही थी मार्च में, अब ये कंडीशन है कि 10 से 15 इंक्वायरीज आ रही हैं पर डे घूमने के लिए, जबकि केसेस इतने ज़्यादा हैं। फिर भी शायद लोगों को समझ में आ गया है कि केसेस सावधानी रखने से ही होगा, यानी कि आप हॉलीडे पे जा रहे हैं तो आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होने को तो राशन की दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकान पे भी हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। ये देखिए बॉर्डर आने वाला है। अब 8 जून से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि रिजॉर्ट्स और होटल्स खुल जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रिजॉर्ट्स तो आप खोल सकते हो लेकिन कंडीशन लगा दी कि कोई भी गेस्ट आएगा तो मिनिमम 7 नाइट का स्टे एक ही प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा। तो ये क्लॉज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आदमी एक ही प्रॉपर्टी में 7 नाइट रुक नहीं सकता। और दूसरी एक क्लॉज और है कि दिल्ली और नोएडा का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चलो केसेस ज़्यादा हैं वो तो, लेकिन 7 नाइट का क्लॉज मेरे ख्याल से गलत है। अब मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से टर्न लेना चाहिए, मैक्स हॉस्पिटल आ गया है, लेफ्ट ले लेता हूँ, क्योंकि अगर इस रोड में चढ़ गए फिर सराय काले खां तक उतर नहीं सकते। तो अभी बीच में क्या हुआ कि फिर से व्हाट्सएप में मैसेज आने लगे कि 15 जून से फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, हालांकि गवर्नमेंट का एक आ गया है कि नहीं होगा, वो फेक मैसेज है। लेकिन उसके लिए गायत्री बोली कि सर मैं आके फ़ोन दे जाती हूँ, ट्रैवल करके फालतू रिस्क होगा, इससे अच्छा गाड़ी जाके मैं खुद ले आऊँ, तो मैं खुद जा रहा हूँ फ़ोन लेने। तो राइट टर्न ले लिया, ट्रैफिक जैसा रहता था एक्चुअली उससे तो काफ़ी कम है आप देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रैफिक है नहीं। आज एक नया मैसेज सर्कुलेट हो रहा है फेसबुक में, है किसी ने भेजा है उत्तराखंड से मेरे पास कि नेशनल पार्क खुल रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क, और 1 जुलाई से चारधाम यात्रा भी खुल जाएगी। और चारधाम यात्रा तो शायद अभी भी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के बाहर के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन 1 जुलाई से ओपन हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। ये आनंद विहार के पास का एरिया आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो लोग बोल रहे थे कि टूरिज्म सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा, लग भी ऐसे ही रहा था, लेकिन जो फिलहाल जो क्वेरीज जनरेट हो रही हैं उससे तो लग रहा है कि डोमेस्टिक टूरिज्म चलेगा। या तो ये हो सकता है कि इतने दिन से लोग लॉकडाउन से परेशान हैं इसलिए निकलना चाह रहे हैं, जो भी है, पर डे 15 के आसपास क्वेरीज आ रही हैं। अब ये देखो यहाँ पर जाम भी है, जाम ये सिग्नल है एक्चुअली, लेकिन ट्रैफिक है, डीटीसी की बसें चल रही हैं, ऑटो रिक्शा सारे चल रहे हैं, क्योंकि जुलाई में क्या होता है वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन हो जाता है ट्रैक, और वहीं पे हेमकुंड साहिब की यात्रा है,
और वो होती ही जुलाई से लेके अक्टूबर तक, उसके बाद बंद हो जाती है। तो अगर बद्रीनाथ केदारनाथ भी खोल ही रहे हैं शायद बाहर के लिए, बाहर वालों के लिए मीन्स दूसरे स्टेट वालों के लिए, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है मुझे। एक्चुअली मैंने उसका घर देखा नहीं है, लोकेशन वो भेजेगी, एरिया मुझे पता है तो वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर मैं लोकेशन चेक करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था आपको कि 1 जुलाई से ओपन हो जाएगा इन केस, उम्मीद तो करता हूँ केसेस भी कम हो जाए। और एक्चुअली वैक्सीन अभी तो बनती नज़र आ नहीं रही है, लेकिन रहना तो पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग से, जैसे लोग रह रहे हैं। आप देख रहे हैं सारे, ये मैक्स हॉस्पिटल बगल में है, और अब ये सिलेंडर वाला जा रहा है साइकिल में सिलेंडर लेके, ऑटो रिक्शा माल ढोने वाले सब चल ही रहे, रिक्शे वाले रिक्शे चला रहे हैं, दुनिया तो चल ही रही है। तो लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। अब मैंने 2-3 ब्लॉग में एक बात बोली है, सड़क पर चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में जूते पहन लिए जाए। ये तुमने लोकेशन जो भेजी, लाइव लोकेशन भेजी है क्या? हाँ जी सर। अरे लोकेशन भेज दो ना सिंपली, लाइव लोकेशन से पता नहीं क्यों चल नहीं रहा। हाँ वो वाली भेजो, ठीक है। ऑलमोस्ट काम धंधे सारे चल ही रहे हैं, सब्जी वाले सब, ये बसेस वगैरह हैं। बस में देखता हूँ लोग कितने बैठे हुए हैं। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का तो हो रहा है, बस में गैप छोड़ छोड़ के बैठे देखे मुझे विंडो से। अच्छी खासी भीड़ है कहीं अभी, अब ये देखो बिना मास्क की मैडम जी हैं, लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। अब यही तो लोग गलती करते हैं, दोष देते हैं सरकार को, लेकिन खुद को नहीं समझ है कि भाई मास्क लगाओ, घूम रहे ऐसे ही, और परेशान पूरी दुनिया है। काफी लोग लगाए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगाए हैं। अभी अंकल जी गमछा बांध के जा रहे हैं बनियान पहन के, लेकिन मास्क नहीं है। रोड के किनारे हेलमेट वालों ने भी पटरी का मार्केट लगा लिया, साथ में मास्क भी बेच रहे हैं, नई नई चीजें आ गई। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।